बहुत अच्छे कार्ड्स निकले, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बहुत प्यारे कार्ड्स निकल के आए हैं। हैरोफेंट विथ सिक्स ऑफ कप्स, आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल काइंड के पर्सन हैं, भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वही कार्ड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही निकल के आ गया हैरोफेंट का, तो मुझे दिख रहा है कि आप इस वीक में बहुत ही ज्यादा मीन्स प्रेयर्स करने वाले हो, या मीन्स आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो मंदिर भी जा सकते हो। ओके, तो मीन्स आप अपने आप को अपना कनेक्शन भगवान से बनाने वाले हो, स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही मुझे ये दिख रहा है। और अगर आप इतने अच्छे से स्टार्टिंग कर रहे हो वीक, कितने पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं ना, तो आप देखिए आगे के कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव ही निकलेंगे। ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। उसके जस्ट बाद जो कार्ड निकला है वो सिक्स ऑफ कप्स का है। तो मैं बता दूं, कोई पर्सन, आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे ना, तो वो आपके पास कोई तो भी कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं, कुछ तो भी आपसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या आपके पास कुछ, काफी टाइम से आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जिस जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, या जिस रिसोर्सेस का वेट कर रहे थे, तो वो चीज आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है इस वीक में। बहुत ही पॉजिटिव स्टार्टिंग हो रही है वीक की, मैं बता दूं, बहुत अच्छे कार्ड्स लगे मुझे। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग अगर इतनी पॉजिटिव हो रही है ना, तो आगे तो सब अच्छा ही होने वाला है। आपका माइंड सेट मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्स, देखिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया ना कि अब आगे के कार्ड्स आपके लिए विक्ट्री ही लेके आएंगे। देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, आप कोई तो भी सक्सेस इस वीक में देख सकते हो। आपने जो अभी तक एफर्ट्स लगाए हुए हैं, उस एफर्ट्स में आपको रिजल्ट मिल सकता है, या आपकी पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आप कोई पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हो। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड पर्सन लग रहे हो मुझे आप बहुत ज्यादा, आपका इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग जैसा बोला था ना वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, आप क्या बोलोगे इसको। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, आपकी ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, कुछ तो भी यहाँ पे आपको इंट्यूशन में बोली चुकी हूँ स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको ऐसा नजर आ सकता है कि जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो चीजें धीरे धीरे ऐसे ही लेकिन मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से इस वीक में सारी चीजें आप फुलफिल कर लोगे, लेकिन आप कुछ छोटा ही सही कोई चीज आप ऐसी नोटिस करने वाले हो ना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आना स्टार्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आपके लिए। और आगे कार्ड्स देखते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, थ्री ऑफ कप्स, और एक कार्ड और मैं लूंगी यहाँ पे क्योंकि ये मेन कार्ड आपका निकल के आया है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स बट इन रिवर्स। ओके, इसको मैं अभी थोड़ा साइड रखती हूँ। मैंने अभी मिड ऑफ द रीडिंग बोला ना कि आप कोई पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हो, छोटा ही सही लेकिन शिफ्ट आप देखने वाले हो। इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो दिख ही रहा है, ये नाइट का कार्ड कोई मेजर कार्ड नहीं है कि बहुत फटाफट से चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही शिफ्ट आ रहा है, जस्टिस हो रहा है आपके साथ। आपने अभी तक जितने एफर्ट्स लगाए, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी को डील किया है, जितने भी मीन्स लोगों ने अगर आपके साथ कुछ गलत भी किया है ना, तो उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, पॉजिटिव वे में आपको मींस आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। क्योंकि आप ना मुझे बहुत, मैंने बोला ही था ना, डिवाइनली गाइडेड पर्सन लग रहे हो आप, कभी लोगों के बारे में गलत नहीं सोचते हो, इस वजह से भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। अभी तक मे बी आपको चीजें नजर नहीं आती थी, आपको समझ में नहीं आता था कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, या अगर आप एफर्ट्स भी लगाते थे तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, मीन्स एक स्टक टाइप का फील करते थे। लेकिन आप इन सारी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था ना, नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स आया है। जितनी भी टेंशंस थी आपकी, जितनी भी स्लीपलेस नाइट्स आपने निकाली हैं, ये सारी कुछ एंड होने वाली है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आप कुछ नोटिस करोगे, छोटा ही सही बट नोटिस करोगे। और इस वीक में कोई तो भी सेलिब्रेशन भी हो रहा है, देख रहे हो ना, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, कोई तो भी सेलिब्रेशन आप करने वाले हो, मे बी सक्सेस, आप जिस सक्सेस का काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको सक्सेस मिल सकती है, तो उसको लेके भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या कुछ बर्थडे भी हो सकता है, या आपके फैमिली में किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड का भी बर्थडे हो सकता है, तो कोई तो भी सेलिब्रेशन भी नजर आ रहा है इस वीक में आपके लिए। मीन्स हैप्पीनेस से भरा हुआ वीक है। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने बोल दिया था कि ये वीक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेके आ रहा है, और वही सारे कार्ड्स हैं। ओके,
अब आप ही अगर नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे तो बताइए कैसे शिफ्ट आएगा। सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करिए, है ना। नेगेटिविटी जितनी भी अपनी लाइफ से उसको हटाइए, कोशिश करिए कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकले, तभी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में एंटर होती हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी को लेके बैठे रहेंगे तो आप बताइए पॉजिटिव चीजें कैसे एंटर होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप अपनी लाइफ में कितने जल्दी पॉजिटिव शिफ्ट लाना चाहते हैं, कितनी जल्दी सक्सेस देखना चाहते हैं। एफर्ट्स प्रॉपर वे में लगाइए, सिर्फ बैठे रहने से सक्सेस नहीं मिलती, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है ना, थोड़ा सा माइंड भी लगाना पड़ता है। ओके, तो एफर्ट्स अपने प्रॉपर वे में लगाते जाइए, पॉजिटिविटी के साथ आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। और सबसे मेन चीज, खुद पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, वो आपके साथ है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, और क्या आ रहा है आपको इस वीक में। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, तो मुझे एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील होती है। मींस आप बहुत ही साफ दिल के इंसान मुझे नजर आते हो, ठीक है। आपका मींस आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना, आपकी लाइफ में कितनी भी निगेटिव सिचुएशन क्यों ना चल रही हो लेकिन आप उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करते हो। बहुत ईमानदार पर्सन भी हो आप, ये सारी चीजें मुझे फील होती है जब भी मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। और स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग जब ये हेरोफेंट का कार्ड निकल के आया ना, तो ये तो प्रूफ ही कर दिया कि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो। और मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी आपको, कोई पर्सन आपका साथ दे या ना दे, कोई सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो ना, तो आप अगर प्रेयर्स करोगे ना तो भगवान जरूर आपका साथ देंगे, वो जरूर आपकी सुनेंगे। क्योंकि आप बहुत ही, मैं बता चुकी हूँ ना, दूसरों के लिए जितना आप अच्छा सोचते हो ना उतना जल्दी भगवान आपकी हेल्प करते हैं, है ना। तो आप उसी टाइप के पर्सन दिख रहे हो मुझे। और थोड़े कार्ड्स देखते हैं। फूल, कोई तो भी न्यू बिगनिंग हो रही है या जो चीजें एंड हो चुकी हैं वापस से रीस्टार्ट हो सकती हैं, कोई तो भी चीज आप रियलाइज कर सकते हो, जो स्टक चल रही थी सिचुएशन मूवमेंट उनमें आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितना पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपकी किस्मत सच में बदलने वाली है अगर आप ट्रस्ट करें तो, अगर आप चाहें तो। एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, मैं इस चीज को 2-3 बार बोल चुकी हूँ मिड ऑफ द रीडिंग में, कि आप पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हो। क्यों देख रहे हो? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, आप अपनी लाइफ में कोई तो भी चेंज देख सकते हो। जो चीजें अभी स्टक चल रही थी, आपको लग रही थी वर्कआउट ही नहीं हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टक हो गई थी, ना बिजनेस सही चल रहा था, ना करियर सही चल रहा था, ना जॉब सही चल रही थी, वो सारी चीजें वापस से स्टार्ट हो सकती हैं। पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हो, पॉजिटिव वापस से वो पॉजिटिव वे में स्टार्ट हो सकती हैं। पर्सनल लाइफ अगर स्टक चल रही थी तो वो भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहा है अपना कप ऑफर लेके इस वीक में। मे भी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं वो आपसे, ठीक है, या आप मिलके कुछ सेलिब्रेट भी करने वाले हो इस वीक में। अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ना कि मैं क्या ही बोलूं, मेरे को तो ये अब हैंड रिटन मैसेज निकालने का मन नहीं है, फिर भी मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। यूनियन, देखिए मैंने बोला ना इस वीक में तो कुछ तो भी लोगों का यूनियन होने वाला है, कुछ लोगों की यह डिवाइन टाइमिंग आ रही है, वापस से आप रिकनेक्ट हो सकते हो अपने पार्टनर से। आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स, एग्जैक्टली, आप ये एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली, योर लाइफ इज ब्यूटिफुल। बस आपको बिलीव करने की चीजें रहती हैं, है ना। अब आप ही बिलीव नहीं करोगे तो फिर कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। हैव कॉन्फिडेंस, हाँ, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगर सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको ये नहीं कि आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाओ, मोटिवेटेड रहना है तभी सारी चीजें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती हैं। और आपको कॉन्फिडेंस रखना है, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना वो सारी चीजें वर्कआउट होंगी, ठीक है।